का नाम तरसेम मसीह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये भाई खुद फूड डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करते हैं। पिछले 6 महीने से इनके टॉयलेट वाली जगह से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और साथ ही इनके लिवर में और पेट के दोनों साइड में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। दिन में 6 से 7 बार इनको टॉयलेट जाना पड़ता था और साथ में जब इनको जो इनको ऐसा लगता था कि शायद मुझे ये बवासीर की बीमारी है, लगातार इन्होंने दवाइयाँ खानी शुरू की और लगातार दवाइयां खाते रहे लेकिन आराम इनको कोई नहीं पड़ रहा था और ब्लीडिंग जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी रुकने की बजाय। और उस टाइम इनको कोई सुध-बुध नहीं थी, इनकी फैमिली वाले इनको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए। आप बताइए सिस्टर के जब आप इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या कहा फिर? हॉस्पिटल जवाब दिया फिर आई लैके फिर चंगे हॉस्पिटल च गए, उन्होंने मुड़ के दाखिल कराया। फिर उन्होंने आख्या भी इन्हें खून की कमी आ, 3 ग्राम खून रह गया इन सारा ही। अभी तो मैं तो लाती भी नहीं इन्हें बचना नहीं गा। अभी फिर मुड़के रब गाड़ी दास की इतने घर दया ने इतने फोन करते रहे क्योंकि दवावा करते रहे। जब आप डॉक्टर के पास ये इन्हें लेकर गए थे तो पहले हॉस्पिटल वालों ने इनको जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेंगे, आप इन्हें यहाँ से ले जाओ। फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें लेकर गए, उन्होंने टेस्ट किए, डॉक्टर ने बताया आईसीयू में इनको वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया और इनके टेस्ट किए और इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी। डॉक्टर ने बताया कि इनके जो दोनों गुर्दे हैं और लिवर जो है वो टोटली गल चुके हैं और टॉयलेट वाली जो ट्यूब है वो भी गल चुकी है। और ये भाई आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रहे काफ़ी दिनों तक, टॉयलेट बाथरूम सब इनका बेड के ऊपर था, एक कदम चलना तो दूर, ये खड़े भी नहीं हो पाते थे। इनके मुंह और इनके नाक के अंदर पाइप्स लगी हुई थी, उसके ज़रिए से ही ये इलिक्विड चीज़ें पीते थे। और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करेंगे और इनकी टॉयलेट वाली ट्यूब को जो है वो डालेंगे। और उसके बाद इन्होंने जब ऐसा इलाज भी करवाया उसके बावजूद भी डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया और साफ साफ इनकी फैमिली को बोल दिया था कि इनका बचना मुश्किल है, आप इनको घर ले जाकर इनकी सेवा कर लो। 3 से 3.5 लाख रुपए इनका इलाज के ऊपर खर्चा हो गया पर कोई भी रिजल्ट नहीं था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी ये परमेश्वर के जब इनको पता लगा चर्च के बारे में, इन्होंने भरोसा रखा कि परमेश्वर जरूर हमें हील करेगा, हमें चंगा करेगा। फिर इन्होंने जब लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, 21 मार्च 2022 को जब ये प्रेयर को अटेंड कर रहे थे, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। पहले कमांड करेंगे हीलिंग को, बीमार को जिसको बोलेंगे बी हील, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील। और जब इन्होंने 21 मार्च 2022 की प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव किया पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ, और उसके बाद परमेश्वर ने इनको कम्प्लीटली हील किया, इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, परमेश्वर ने उस बीमारी से इनको आज़ाद किया। और ये भाई अपने आप खड़े तक नहीं हो पाते थे, एक भी मिनट के लिए ये खड़े नहीं हो पाते थे, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। 2 से 3 हॉस्पिटल वालों ने तो साफ साफ इनको इनकी फैमिली को बोल दिया था कि इनका जो बचना मुश्किल है, लेकिन जब इन्होंने प्रेयर माउंटेन से प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनको हील किया। आज 2 महीने हो चुके हैं ये डिस्चार्ज होके और पूरी रीति से हील होके आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। आप चल के देखिए भैया, चलिए चलिए ब्रदर, आप तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को, महिमा दें, अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि इस भाई की जो हालत थी वो इतनी इनकी कंडीशन जो थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि 2-3 हॉस्पिटल वालों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया इनका बचना मुश्किल है, इनको घर ले जाओ। और जब ऐसी हालत हो जाए, जब हॉस्पिटल वाले जवाब दे दें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उस समय कैसी हालत होगी। ये सिस्टर ने खुद रो के बताया है इस बात को कि जब डॉक्टर ने बोला कि इसको ले जाओ तो कहते हमें लगा था अब ये नहीं बचेगा, इन्होंने खुद से उम्मीद छोड़ दी थी। फिर जब किसी ने इनको बताया कि तू खमरा चर्च में जा, प्रेयर को रिसीव कर और प्रेयर माउंटेन के बारे में बताया, प्रेयर माउंटेन से हो रही सामर्थ्य प्रार्थना को जब इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, तो उस दिन के बाद ये ब्रदर पूरी रीति से हील है, इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। आज 2 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।